वैसे कितने दिनों से मैं ट्रैक्टर खड़ा हुआ यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरा रोज होता है कि मैं यार इसको जरा चला के देखूं। ये ब्रेक, ये रेस है, ब्रेक केड़ी है? चलो अब थोड़ा सा तेज चला। अस्सलामुअलैकुम भाई जान। अस्सलामुअलैकुम जी, अह जी, लो जी, सुनो जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजर होगा। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेबी और कुकिंग विद मी आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी हम ब्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू ब्लॉग आ चुका है। मुझे नहीं पता आज वैसे मैंने करना क्या है, आई हैव नो प्लान्स फॉर टुडे, बट आई थिंक जिन दिनों का आपका कोई प्लान नहीं होता वो दिन सबसे बेस्ट दिन होते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। अगर ऐसा ना हो तो आई एम सॉरी। देखते हैं हमारी अम्मा जान आज किधर हैं, क्या कर रही हैं। पूरे घर में मैया को तो कहीं नज़र नहीं आ रही, गायब गायब गायब। किधर है अम्मा जान, क्या कर रही हैं किधर? कुछ नहीं, अभी बाहर से आई थी, इधर ही बैठ गई। बाहर से आई थी मतलब? हाँ, कब्रिस्तान गई हुई थी, मैं मामू खाला और दो काम वाले लेके गई हुई थी। तो ये आइसक्रीम वाले भाई, भाई धूप बहुत थी, गर्मी बहुत ज्यादा, तो मैं ग्लासेस पहनने चला गया था। अब बताएं क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि सुबह कब्रिस्तान चले गए तो तू सोया हुआ था। मैंने कहा तेरा काम तो है कोई नहीं, तू एक दफा हो आया था ना पहले, जाके मैं खाला और मामू गए हैं, साथ दो वर्कर ले गए हैं, जाके सारी कब्रें साफ की हैं, झाड़ू लगाया है, फिर उन पर मिट्टी डाली है, फिर पानी डाला है, फिर फूल डाल के आई हूँ, तो डाल के फिर फातिहा शातिहा कह के फिर आए हैं। एक तो ईद भी करीब है और दूसरा आई हूँ पाकिस्तान, तो एक दिन गई थी तो कल मेरा दिल कर रहा था कि फिर जाऊँ, जाके थोड़ी से ना फूल डाल के आऊँ, कब्रें साफ करके आऊँ। आज वो गई हूँ तो दिल इतना उदास हो जाता है ना कब्रिस्तान से होके आओ, इतने प्यारे रिश्ते, इतने मतलब जो रिश्ते एक मिनट नहीं हम रहते थे माँ बाप के बगैर, आज वो उधर पर हैं, हम कहीं हैं, क्या ज़िंदगी है ये, इंसान की ज़िंदगी है। इधर है सारा दिन अंदर ए सी में नहीं लेटते थे नाना बू, इधर लेटे रहते, कहना सब ने कहना भी नाना अबू ए सी में नहीं लेटते, ये मामू बेचारे ने लॉन्च में भी लगवाया, कमरों में भी, लेकिन ना जी उन्होंने तो दिन को इधर ही रहना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, रौनक में रहना हर। अच्छा हो गया आप लोग उधर से करा है, सारा साफ भी हो गया, ये साफ हो गया। कल फूल मंगा ले थे रात को, सुबह मैंने चाय पी तो उसमें गुलाब के अरक की खुशबू आ रही, मैंने कहा चाय में क्या, फिर मुझे ख्याल आया वो जो फूल मंगाए फ्रिज में रखे हुए थे ना, सुबह कौन जाएगा लेके आए। अच्छा वैसे कितने दिनों से मैं ट्रैक्टर खड़ा हुआ यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरा रोज होता है कि मैं यार इसको जरा चला के देखूं। क्या अभी इधर अंदर लटकी होगी, मुझे पता ही नहीं इसके क्या सिस्टम है, मामू आते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता इसके गियर शेयर कितने, दो गियर है भाई, कोई पता नहीं चलता कैसे, क्या सिस्टम है इसका। ठीक है, गियर नंबर वन, गियर नंबर टू, और ये मेरे ख्याल से इंडिकेटर इशारे, ये आज सीखते हैं ना, तो फिर चलाना ऐसे फिर अच्छा नहीं, कोई खराब हो जाए, खराब तो नहीं होगा, इस बेचारे ने क्या खराब होना था, लेकिन कहीं लग शक जाए तब में टूट जाए कुछ हो जाए, मामे को पड़ जाएगा भांजा आया था, तम्मे शम्मे तोड़ गया, इधर से जेबी ऐसे निकालते हुए इसको मारे, ये गया फिर इधर गया, इधर से निकलता हुआ दीवार से बाहर। बात सुने तो मेरी, ये ट्रैक्टर जो है ना आज चलाऊंगा मैं। हाँ आज मैं चलाऊंगा, देखते हैं मामू को आने दें। लंदन वाले मामू ने भी चलाया था जो नहर में गिर गया था, तब तेरे जितने ही थे मामू, तेरे से भी छोटे थे, 19 साल के तो बाहर चले गए थे, छोटे ही थे, लेकिन जो मामू ने सुबह किस्सा सुना रहा था ये वाला, मेरे मामू ने एक बार कोई ट्रैक्टर चलाया उन्हें नहर में गिरा दिया। स्टार्ट करें, ट्रैक्टर की अपनी आवाज इतनी होती है उसकी, वो माइक अभी लेके आता हूँ ना, माइक देख के कोई साइड तक आती।
चलो भाई हम जाने लगे हैं ट्रैक्टर पे। पहले मेरे ख्याल से एक जूटा लेके आते हैं, जूटा, उसके बाद जूटा। मामू है चलता किंज, चलता कैसे है ये? ये क्लच है। अच्छा कैसे? जब ये गियर लगाना है उस टाइम क्लच दबाना है, ये ब्रेक है। तो रुकता कैसे? आता कोई नहीं चलाना मुझे। ब्रेक कौन सी है? ये ब्रेक है। ये क्लच है। लग गए। ये ब्रेक, ये रेस है। ब्रेक केड़ी है? तो रेस ठीक है। तो रेस, अच्छा ये रेस है। लो भाई हम ट्रैक्टर चला रहे हैं। तेज नहीं होंगे? क्लच छोड़ दिया मैंने सारा। अच्छा ये रेस होती है इसकी? अच्छा ये भी रेस है। ये रेस नॉर्मल किसी? अभी हमें इसको तेज नहीं चला रहे, मैं क्या अभी तेज नहीं चलाना, इतना ही ठीक है। चलो भाई आइए रिवर्स करके अब वापस उस तरफ लेके जाए। अब मामू देखना कैसे करते हैं। चलाना तो ऐसे चाहिए ना। कदी तुझे आता है चलाना? मामू तो एक्सपर्ट ने। अरे सेकंड ट्राई, गियर लग गया। राम राम से थोड़ा तेज चलेगा। चलो अब थोड़ा सा तेज चला, अब सही है, अब थोड़ा तेज चल। लो भाई अब मामू इसको करने लगे अंदर। एक्सपर्ट होना चाहिए बंदे को। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार बैठा हूँ ट्रैक्टर पे, चलाना तो दूर की बात है। नहीं वैसे ड्राइवर है जो जब मीनू पे काम करते हैं वो करते हैं, मामू तो वैसे नहीं आता तो है ना। चलो जी उन्हें उधर पार्क कर दिया। वो कितने साल से चला रहे हैं? चलाते नहीं है मामू, मामू लड़का रखा हुआ है जो करता है काम। मामू तो फिर वैसे चालीस साल से। ओके भाई ट्रैक्टर भी हमने चला लिया। ट्रैक्टर की जो हमारी विश थी वो भी हो गई, हमने पूरी कर ली। ट्रैक्टर भी हमने इस बार खुद से चला लिया, ये भी एक्सपीरियंस हो गया हमें। वैसे मैं सच बताऊं तो आज तक मैं ना ट्रैक्टर पे पहले कभी बैठा ना मैंने कभी चलाया, तो इसका गेयर वगैरह क्लच वगैरह सब कुछ समझने में थोड़ा टाइम लगा, बट आई थिंक अब मैं चला सकता हूँ। आई डोंट नो बट इट वॉज गुड, इट वॉज फन, इट वॉज नाइस ट्राइंग न्यू स्टफ। क्या पता कभी ज़िंदगी में ट्रैक्टर चलाना पड़ जाए, इसलिए अब हमें पता है कि ट्रैक्टर चलाते कैसे हैं, ठीक है ना। हमारे अफ्तारी हो गई, अफ्तारी के बाद घंटा गुजर गया, हम सो गए अफ्तारी करके। अफ्तारी के से दो मिनट पहले, कुछ थोड़ी देर पहले उठे, नमाज पढ़ी, और उसके बाद अब भी दोबारा कोई एनर्जी है। इतनी गर्मी है भाई, इतनी गर्मी। तो अभी गर्मियाँ पाकिस्तान में शुरू हुई हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कोई वापसी की टिकट कराऊं।
टाइम से इज्जत से करवा लो भाई। ये तो बहुत गर्मी है भाई। तो अभी मैं तैयार होने लगा हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं सरगोधा। और क्यों जा रहे हैं ये नहीं मैं बताऊंगी, ये मुझे लूटने जा रहे हैं। लूटने क्या जा रहे हैं? आपने बर्थडे मनवा ली, बर्थडे जिन दोनों ने केक लाए थे ना, एक मेरी भांजी, दोनों ट्रीट मांग रहे हैं, ट्रीट दे। मैं क्या गरीब बंदा हूँ, मेरे पास क्या चीज है? कोई चीज नहीं, कोई अंगूठी बेच के ट्रीट दे देती हूँ, कोई अंगूठी बेच के ट्रीट दे देती हूँ, ये कर सकते। हम हो गए हैं तैयार, हमने कपड़े बदलनी, शर्ट ही बदली है वैसे, इतने कोई खास तैयार नहीं। वो भी शर्ट अम्मी को पसंद नहीं थी, अम्मी का दिल था कि शर्ट बदल लो, हालांकि मुझे तो वो अच्छी लग रही थी, पर अम्मी को पता नहीं क्या हो जाता है, अम्मी का दिल करता है कि जो चीज़ उनका पसंद है। मैं कहती हूँ सारे जग से प्यारा लगे, हर जगह है ही बड़ा प्यारा और लगे, हर माँ का दिल। इतनी मीठी बातें, आपको शुगर तो नहीं है कहीं? मिल तूने देने हैं, आपको शुगर तो नहीं है? नहीं मुझे शुगर है, ब्लड शुगर है मुझे, ब्लड में लोग कहते हैं ब्लड शुगर, भाई इनसे पूछे मतलब ब्लड में ही शुगर होती है। उस दिन कोई कल और आ रहा होता है करी मनु में शुगर है ना, ब्लड विच शुगर है। मैं क्या अच्छा ऐसे आप लोग देख रहे होंगे, हमने ऐसे ही रखा हुआ, खैर है ये पता है घर बंद रहता है, हमारे आने पे खुला है। मामू तो एक आध कमरा खोलते हैं, इतनी औरतें ना हो तो बेचारे मर्द क्या करें, ये होता है शरीफ लोग, सारी जिंदगी बेचारे पैसा लगाते हैं हर चीज़ है, बीवी बच्चे कहीं और हैं, नौकर पका रहे हैं। अभी किचन में मैं दिखाऊं आपको, जैसे ये देखें ये कितने बंदे रोटी पका रहे हैं, ये देखें ये सारे, वो देख का जरा सालन वाला उठाना ऊपर से, ये सालन बना हुआ है और ये रोटी बनी हुई है, और वो रोटियां 40-50 आई हैं, कितनी आई हैं पकी हुई, ये सारी ना तंदूर से लगवाई हैं, मतलब रोटियां तो भाई ने कहा नहीं काम है, तो अब बेचारी चार दफ़ा तो उस लड़की बच्ची ने आटा गूंदा, अब ये साथ साथ इस वक्त गैस चली जाती है, ये रोटियां बना रही हैं। अदाश हो गई थी ये, कल गई हुई थी फातिमा, क्या हुआ है फातिमा? दाश हो गई थी फातिमा, अम्मी जी से दाश हो गई थी, किधर गई हुई थी, किधर गई ऐसे मिल रही है ना, दाश हुई हुई है। मामू क्या कर रहे हैं? मामू को बाय बाय कर दो, बाय बाय मामू। मुझे मिले ही नहीं आज, आज मुझे मिले ही नहीं, आप मिलो जरा इस तरफ, हवा भी करो ऐसे। आपकी आई ठीक हो गई है? दवाई खाई थी? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाईजान को ऐसे जेबी को को अस्सलाम वालेकुम भाईजान, एक हवा तो करो, मामा कैसे मारती है, मामा कैसे मारती है, इधर इधर मेरे हाथ में मारती, बताओ कैसे मारती है मामा, बाबा भी मारते हैं, कौन मारता है, बाबा वो मंजू ठीक है, वो भी मारती है, किधर सोते हैं मंजू के पास सोते, चलो मंजो गोद में बैठ के सो जाए, इधर आओ आओ, अच्छा घोड़ा चला रहे नहीं, आपने जाना है कोई नहीं, घंटा हो गया आप इधर बैठे, मैं तो तैयार हूँ, खाला भी तैयार है, कोई नहीं तैयार होके आ रहे जिन्होंने जाना है। ये बात है पाकिस्तान में 7 बजे शादी हो ना तो वो 5 बजे लिखवाते हैं, इसलिए लगवाते हैं, उन्हें पता है अपनी अमाउंट का। हम लोग 8 बजे तो हम 8 बजे इधर थे। हम यहाँ पे आ गए अलास्का, यहाँ पे क्या करने हैं? अमेरिका आ गए हैं, कनाडा या अमेरिका है दोनों में ही है। हाँ इधर अब देखते हैं क्या करते हैं, क्या कुछ खाते पीते हैं, अफ्तारी के बाद आए हैं, अब जो पसंद करेंगे जाहिर है हमने तो खिलाना है, कहेंगे ये खा लो, ये तो अब उनके ऊपर डिपेंड है ना। ओके भाई हमने वहाँ से डिनर शिनर कर लिया, उसके बाद अभी बाहर लेके आएंगे अम्मा जान, आप कहाँ पे आए जी? अब हम आइसक्रीम खाने आए हैं, पहले वो मैं उधर देख रही, लास्ट टाइम हम इस पे आए तो काफ़ी लोग कह रहे थे इसके आसपास रहते हो, इधर
लेकिन कहते हैं कि इधर की आइसक्रीम अच्छी है, उधर की मेरे ख्याल से ठीक है या क्या है कोई पता नहीं उधर क्या। एक तरफ तो बैंक है, एक तरफ क्या है, इन्होंने लाइटें लगाई हुई यहाँ। ऑर्डर कर दी है तो अभी गाड़ी में बैठ के खाएंगे। तो थोड़ा सा चलो आपको मैंने कहा अपना शहर अपना देश दिखा दें। आप वाला शहर तो बदल गया, अब ये वो शहर तो रहा ही नहीं, वही शहर आपके जमाने में। सरगोधा जान है हमारी भाई, सरगोधा का नाम ही बहुत है। ये नहीं है कि भाई सरगोधा बदल गया, जाहिर है तरक्की करेगा वक्त के साथ साथ तरक्की करेगा। तो भाई इधर से अभी हम बस आइसक्रीम लेंगे, फिर आइसक्रीम लेके हम वापस जाएंगे गांव अपने घर, फिर सो जाएंगे क्योंकि तो बहुत फुल हो गए, बहुत खा लिया, बहुत कुछ खा लिया आज। पहले अफ्तारी की थोड़ी थोड़ी करते भी काफ़ी कुछ खा लेते हैं वरना, फिर इधर भी काफ़ी कुछ खा लिया जो कुछ पैक करवा लिया। ये भी ने सहरी नहीं करनी आज मैडम, गुस्सा करती हूँ दरवाज़ा ना खोलेंगे। हाँ नहीं फिर खोलना तो पड़ेगा। हम वापस घर आ गए, आप बहुत थक गए, रात के तकरीबन 12:30 बज गए। तो मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड क्योंकि मुझे अभी ये एडिट भी करना है। तो आप सबके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, लाइक और कमेंट करके अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखें हमारे साथ। इसी तरह डेली व्लॉग्स आपको आते रहेंगे। अम्मी जा रही अपने नवाफिल्स पढ़ने, हाँ जब तक ये व्लॉग आएगा आप थिंक आप लोगों की तो असली वाली ईद होगी होगी, तो यहाँ होगी मतलब ईद होगी होगी असली वाली ईद होगी। लोग क्या गलतियां पकड़ेंगे, सबसे पहले तो आप पकड़ती हैं। मैं पकड़ती हूं, लोग नहीं पकड़ते। तो आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ईद बहुत अच्छे से मनाएं। हम आपको मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। हंसी खुशी में ईद मनाएं। डिपेंड करते हैं आप सऊदीया ने तो अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान में कब होती है मुझे नहीं पता, बट इन केस अगर हो जाए तो ईद मुबारक, ना भी हुई तो चांद रात मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम आपको मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।